हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम रिचपिच कैड सॉफ्टवेयर में मार्कर बनाएंगे एंड टूल के बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मार्कर में हम न्यू मार्कर कैसे बनाते हैं, सेव मार्कर को ओपन कैसे करते हैं, पार्ट्स को एनी एंगल में रोटेट कैसे होगा, पैटर्न में वर्चुअल बॉर्डर एंड रेक्टेंगल ऐड करेंगे, मार्कर में सिंकेज ऐड करेंगे लेंथ एंड विड्थ में, वन पीस वन डायरेक्शन में या ऑल पीस वन डायरेक्शन में सेटिंग करेंगे एंड इम्पोर्टेंट टूल बार देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आपको थ्री आइकन शो कर रहा है। मार्कर का GMS आइकॉन है, पैटर्न का DGS आइकॉन है एंड प्लॉट का आइकॉन है। GMS आइकॉन क्लिक करना है। मार्कर वर्क प्लेक्स शो कर रहा है। मेन मार्कर, इसमें मार्कर क्रिएट होगा। नीचे का एडिट मार्कर वर्क करिए है। अभी हम न्यू मार्कर क्रिएट करेंगे। फाइल ऑप्शन में जाएंगे। न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N। न्यू के नीचे ओपन का ऑप्शन है। जो भी मार्कर हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट के बाद सेव करेंगे, उसे ओपन करने के लिए है। अभी हम मार्कर क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू लेंगे। मार्कर डेफिनेशन शो कर रहा है। यहाँ पे हमको फैब्रिक का लेंथ एंड विड्थ सेट करना है। फैब्रिक विड्थ 56 इंच लेंगे एंड लेंथ 20 मीटर रखेंगे। उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो। ये मार्कर बॉर्डर है, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप। जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे उतना मार्कर में छोड़ के लेगा। ओके करते हैं। डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। नेक्स्ट, अभी यहां से हमको लोड करना है। जिस फोल्डर में पैटर्न सेव है वहां से पैटर्न को सिलेक्ट करना है। शर्ट का पैटर्न चूज करेंगे एंड यहां से हमें साइज सेट करना है। यहां पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करोगे पैटर्न में शो करेगा। यहाँ पे पीस का नंबर शो कर रहा है, सीरियल नंबर। पीस नेम, इसमें पीस का नाम शो कर रहा है, इसे आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम चेंज करते हैं। डिस्क्रिप्शन, ये नंबर ऑफ कट शो कर रहा है, ये मैनुअली आप चेंज कर सकते हो। क्वांटिटी, यहाँ पे हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्वांटिटी चाहिए। नेक्स्ट मटेरियल, इसमें नेम शो कर रहा है। जो भी हम पैटर्न में नेम देते हैं, रेडी या सेल्फ या कॉन्ट्रास्ट, वो नाम यहाँ पे शो करता है। साइड एंड बोथ को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट श्रिंकेज ऑप्शन है। यहाँ पे आप श्रिंकेज ऐड कर सकते हो लेंथ एंड विड्थ में। 2% ऐड करेंगे। पैटर्न में एक्यूरेट श्रिंकेज ऐड होता है यहाँ से। नेक्स्ट, अभी हम साइज एंड क्वांटिटी सेट करेंगे मैन्युअली। जब भी आपको क्वांटिटी चेंज करेंगे तब आप रिसोर्ट मटेरियल में रखना है एंड हाइड मटेरियल, इसके बारे में हम वीडियो के एंडिंग में देखेंगे।
क्वांटिटी सेट करते हैं। रेडी को जीरो कर देंगे, अदरवाइज ये मार्कर में शो करेगा। नेक्स्ट अभी हमें साइज सेट करना है, 4 साइज लेंगे। ये रिवर्स सेट है, यहां से आप वन गार्मेंट वन डायरेक्शन के लिए सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक छोड़ के एक में नंबर ऐड करना है 11। ओके करते हैं। साइज शो कर रहा है साइज लिस्ट में। नेक्स्ट अभी हम मार्कर बनाएंगे मैन्युअली एंड ऑटो नेस्टिंग, दोनों तरीके से देखेंगे। बॉर्डर हाफ सेंटीमीटर शो कर रहा है, इसे कैंसिल कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। मार्कर डेफिनेशन में जाएंगे, यहाँ से आप विड्थ एंड लेंथ चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर को जीरो करेंगे, ओके करते हैं। नेक्स्ट अभी हम नेक्स्टिंग के ऑप्शन में जाएंगे, ये सुपरनेस ऑटोमेटिकली मार्केट क्रिएट ऑप्शन है, इस ऑप्शन के लिए लाइसेंस की नीड होगी। डेमो में ये ऑप्शन हाइड रहेगा, सुपरनेस का यूज करते हैं। अभी इसे क्लोज करते हैं। बैक जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम मैन्युअली मार्कर का तरीका देखते हैं। स्टार्ट ऑटो नेस्टिंग ये डेमो में अवेलेबल रहेगा, बट ये उतनी एफिशिएंसी नहीं देगा, उसके लिए आपको मैन्युअली क्रिएट करना होगा। एंड माउस का राइट बटन क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हो। एक एक साइज नीचे आप इनपुट कर सकते हैं, इसके लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, ऑल सिलेक्ट करना है एंड राइट बटन क्लिक करना है, इस तरह से आप बना सकते हो। आप देख सकते हो साइड टू वे आ रहा है। रिवर्स में हमने वन पीस वन डायरेक्शन लिया है, उसके लिए और एक सेटिंग करना है। ऊपर जो टूल बार है पीस इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, टोटल इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करना है, वन वे सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। अभी वन पीस वन डायरेक्शन में आ रहा है। साइड में जो ऑप्शन है प्लेस पीस का यूज कर सकते हो, इस ऑप्शन से आप सिंगल साइज या ऑल साइज नीचे आप ले सकते हो। एडिट टूल बार में
नेक्स्ट अभी हम ऑल पीस एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे, उसके लिए आपको ओपन पेटल फाइल में जाना है। व्यू को सिलेक्ट करना है, व्यू के साइड में डिलीट ऐड पीस एंड इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम पार्ट टू में देखेंगे। व्यू को सिलेक्ट करना है एंड रिवर्स को 0-0 कर देना है, ओके करना है। पीस अभी ऑल पीस एक ही डायरेक्शन में अभी आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम मार्कर टूल बार देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं मूव सिलेक्टेड पीस। इस ऑप्शन का यूज सिलेक्ट या मूव के लिए है एंड माउस का राइट बटन दबा के आप फ्लिप कर सकते हो। शो मार्कर बाय विथ, इस आइकन को क्लिक करते हैं आपको फुल विथ आपको शो करेगा मार्कर में। शो ऑल पीस, इस ऑप्शन का यूज टोटल मार्कर शो करेगा। शो फुल लेंथ मार्कर, इस आइकन को क्लिक करते ही फुल लेंथ शो करेगा। हमने 20 मीटर तक सेट किया था, 20 मीटर शो कर रहा है। लिमिट रोटेशन, इस ऑप्शन का यूज रोटेट के लिए है। माउस का राइट बटन क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लिमिट फ्लिप। लिमिट फ्लिप, इस ऑप्शन का यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए है, फ्लिप के लिए है। इस आइकन को क्लिक करते ही नीचे के दो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बट उसके लिए आपको पैटर्न को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही वर्क करेगा। राइट का लेफ्ट कर देगा ये अपोजिट में। इस ऑप्शन के यूज के बाद आपको इसे ऑफ रखना है। जूम इन, इस आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी पैटर्न में इसे ड्रैग करना है माउस के लेफ्ट बटन से, उसके बाद क्लियरली शो करेगा। क्लीन मार्कर, इस ऑप्शन का यूज मार्कर को क्लीन करने के लिए। क्लीन के बाद ये टोटल पीस साइड लिस्ट में शो करेगा। मेजर, इस ऑप्शन का यूज मेजरमेंट के लिए है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्लिक करना है, कॉर्नर पे मेजरमेंट शो करेगा। रोटेट पीस एनी एंगल, इस ऑप्शन से आप एनी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, जो भी आप वैल्यू ऐड करोगे। उसके बाद ओके कर देना है। रोटेट 90 डिग्री, इस ऑप्शन का यूज 90 डिग्री रोटेट होगा। पैटर्न को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आइकन को क्लिक करना है। अभी देखिए रोटेट कर रहा है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये हम देख चुके हैं।
टेक्स्ट, इस ऑप्शन का यूज मार्कर में टेक्स्ट लिखने के लिए है। अगर आपको पैटर्न में टेक्स्ट राइट करना है तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। मार्कर टेक्स्ट, इस ऑप्शन का यूज आप मार्कर में ब्लैंक स्पेस को आप टेक्स्ट कर सकते हो। ग्रुप, इस ऑप्शन से आप टू पीस या उससे ज्यादा एक साथ आप अटैच कर सकते हो। अनग्रुप, इस ऑप्शन का यूज आप अटैच पैटर्न को स्प्लिट करने के लिए है। रिप्रेस, यह ऑप्शन आपको डेमो में शो नहीं करेगा, इसके लिए आपको फाइल में जाना होगा। इस ऑप्शन का अगर आप डीजीएस में मार्कर बनाने के बाद चेंज करते हो तो आप रिप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी हम सुपर नेस्टिंग टूल बार के बारे में देखेंगे। डेमो में ये शो नहीं करेगा, ये लाइसेंस की में अवेलेबल होता है। फर्स्ट आइकॉन है सुपर नेस्ट, यहां से आप टाइम सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड देन ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है बीन द पैटर्न, ये ऑप्शन ग्रुप एंड बीन द पैटर्न सेम है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नो बीन द पैटर्न, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो पैटर्न को स्प्लिट करने के लिए, जो भी पैटर्न एक साथ अटैच है। फिक्स पीस सिचुएशन, इस ऑप्शन का यूज पैटर्न को सिलेक्ट के बाद ये मूव नहीं करेगा, ये जहां पे वहीं पे रहेगा। इसको स्प्लिट करने के लिए आपको नो फिक्स पीस एट सिचुएशन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी हम पैटर्न में वर्चुअल बॉर्डर एंड रेक्टेंगल ऐड करेंगे। इसका यूज मोस्टली स्ट्राइप चेस्ट एंड एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है। उसके लिए आपको फाइल टूल बार में जाना है, पीस इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है, पीस इन्फो, ऑल साइज इन्फो एंड टोटल इन्फो, इस ऑप्शन का यूज करना है। पीस इन्फो ओनली सिंगल साइज में वर्चुअल बॉर्डर ऐड करेगा, ऑल साइज में ऐड करेगा ये, एंड टोटल पीस इन्फो में टोटल पीस में शो करेगा। बैक का पैटर्न सिलेक्ट करते हैं, पीस इन्फो सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू ऐड करेंगे, अभी इक्वल को सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं वर्चुअल बॉर्डर शो कर रहा है बैक के अराउंड। रेक्टेंगल क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल शो कर रहा है। ऑल साइज इन्फो में ऑल साइज में बॉर्डर ऐड होगा, जिस पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। हमने बैक के पैटर्न को सिलेक्ट किया है तो ऑल साइज में बैक के पैटर्न में आएगा। टोटल पीस इन्फो, इस ऑप्शन का यूज ऑल पार्ट्स में शो करेगा, ये सभी पार्ट्स में शो करेगा ये। नेक्स्ट, अभी हम मार्कर में रिसॉर्ट मटेरियल एंड हाइड मटेरियल देखते हैं। हमने जो मार्कर बनाया है वो रिसॉर्ट मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद बनाया है। नेक्स्ट, अभी हम हाइड मटेरियल देखते हैं। हाइड मटेरियल में टाइम सेव होता है। ओपन फाइल ऑप्शन में जाएंगे, व्यू में जाएंगे,
इंसर्ट को हाइड मटेरियल करते हैं। रेडी पैटर्न 0 है, उसे 1-1 कर देना है। साइज सेट करते हैं, ओके कर देना है। लिए बॉडी पार्ट्स अभी शो कर रहा है साइज लिस्ट में। राइट साइड में ऊपर की तरफ ये ऑप्शन शो कर रहा है, ये रिसर्ट मटेरियल में अनशो रहेगा। डेमो में ये ऑप्शन लेफ्ट साइड में शो होगा। एरो क्लिक के बाद रेडी एंड सेल्फ शो कर रहा है, रेडी को सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ओनली रेडी शो कर रहा है, जैसे आप हाइड मटेरियल का यूज कर सकते हो। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट में आगे के टूल बार देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।